अस्सलाम वालेकुम, अपना मरी में खुश आमदीद। आज मैं आपको जो मरी में यहाँ पे लोकल हमारे इस एरिया इलाके में फल होता है वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये सामने जो मेरे दरख्त है ये आलू बुखारे का दरख्त है, वाकिफ़ होंगे आप सब लोग इससे। ये गर्मियों के कहते हैं कि गर्मियों में बड़ी इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, खून बनाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इसकी हालत तो अभी इतनी ठीक नहीं है क्योंकि इस दफ़ा जो हेल स्टॉर्म आया है 2-3 दफ़ा आ चुका है, उसकी वजह से जो है सारा फल फ्रूट जो है डैमेज हुआ है, बहुत नुकसान पहुंचा है इसको। तो ये सामने जो दरख्त है आलू बुखारे का दरख्त है और ये अभी अपनी रॉ शेप में है, यानी इब्तदाई शक्ल में है ये अभी, और तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया इसके साथ फल लगा हुआ है। 15 दिन और लगेंगे इसको और ये फल पक जाएगा और उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में आप लोग शहरों में इसको देखते हैं। थोड़ा करीब जाके भी आपको ये दिखाता हूँ कि अपनी रॉ शेप में कैसा होता है। अब ये जो सामने मेरे लगे हुए हैं ये इनके करीब नज़दीक आ गया हूँ, अभी बिल्कुल ग्रीन है, कुछ अरसे बाद इनकी शेप आहिस्ता आहिस्ता से ऑरेंज होना शुरू होगी और फिर रेड हो जाएंगे। दूसरा, परिंदे भी इनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी भी गज़ा यही है, वो भी इनको नुकसान पहुँचाते हैं जिसकी वजह से ये ख़राब हुए हुए हैं अभी। लेकिन स्टिल अभी इसमें बहुत सी गुंजाइश है, टाइम लगाएगा ये, तकरीबन 15-20 दिन का और टाइम लगाएगा और फिर ये पक के उस शक्ल में आ जाएगा जिसकी ओरिजिनल हालत जिसमें हम देखते हैं डब्बों में पैक किया हुआ शहरों के अंदर। अब ये भी एक दरख्त है जिसको क्या खुबानी फैमिली के से ही है ये भी, इसको हाड़ी कहते हैं हम लोग यहाँ पे, जिस जो ऊपर आपको घर के सामने दिखाया था। तो इसके ऊपर अब चढ़ के, क्योंकि दरख्त ये नीचे से थोड़ा सा ऊपर है इसका फल फ्रूट, तो इसको उतारता हूँ आज मैं और फिर उतार के तो आपको दिखाऊँगा किसकी क्या शक्ल है, क्या शेप और कितना किसके साथ से उतरता है। अब ये जो है ये तकरीबन मेरे घर में ही लगी हुई है, ये खुबानी का दरख्त है, खुबानी फैमिली का कह लें इसको, इसको हम यहाँ लोकल जबान में हाड़ी कहते हैं, खुबानी फैमिली से ही है ये। ऑलमोस्ट वही शेप होती है इसकी, वही जायका होता है, खुबानी थोड़ा सा मीठी ज़्यादा होती है जो अपनी असल जो फ्रूट वाली शक्ल में होती है। एक तो हम ड्राई फ्रूट में खुबानी खाते हैं, नहीं वो चीज़ नहीं होती, इसको खुश करके सुखा के फिर इसको उस शेप में लाया जाता है जिस शेप में हम इसको शहर में देखते हैं। थोड़ा सा करीब से भी आपको दिखाता हूँ ये कैसी होती है, ये इसको अगर थोड़ा सा करीब से आपको दिखाऊँ तो ये शेप होती है इसकी। ये भी थोड़ी सी कच्ची है, ये थोड़ी सी और ऑरेंज होगी, थोड़ी सी और पकेगी, लेकिन ये बेसिकली खुबानी फैमिली से ये हाड़ी, इसको लोकल ज़बान में यहाँ पे कहते हैं, लेकिन है ये खुबानी का ही दरख्त होता है, उसी के साथ का ही होता है ये। और उसको फिर खुश करके तो जो हम ड्राई फ्रूट में खुबानी खाते हैं शहर के अंदर, यहाँ पे वो अपनी रॉ शेप में है अभी, इब्तदाई शक्ल जो है उसकी। ये उसका दरख्त है, अब लोकल फल फ्रूट में जो ये जो सामने दरख्त है इसको आप लोग जो समझते हैं या आप लोग जो इसको कहते हैं वो नाशपाती कहते हैं, नाशपाती का दरख्त है, लेकिन लोकल यहाँ पे जो हम लोग हैं वो इसको नाख कहते हैं। ये लोकल वर्डिंग में, लोकल ज़बान में कुछ चीज़ों के नाम हैं जो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, वैसे ही एक इंटरेस्ट हो अगर किसी का तो उसके लिए, इसको नाख कहते हैं। अभी इसके ऊपर फल फ्रूट अच्छा लगा हुआ है, ये थोड़ा सा अभी अपनी रॉ शेप में भी है और प्लस बिल्कुल इब्तदाई शेप में है, इसलिए सख्त होता है, तो इसलिए जो हेल स्टॉर्म था वो इसको ज़्यादा डैमेज नहीं कर सका। अदरवाइज लोकल जो फल फ्रूट है जैसे आपको पीछे भी दिखाया मैंने, वो बहुत उसके सत्यानाश चढ़ा दिए। ये थोड़ा मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ कि इसकी इसकी रॉ शेप होती कैसी है, ये आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को फिराऊँ। ये नाशपाती फैमिली से है,